वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सागर गायकवाड़ और मेरा चैनल का नाम है सागर वर्डकेयर। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे घर की जो ठंड के मौसम के पहले एंडिंग बोले तो अभी चालू हो गया है, सॉरी अभी शुरुआत में कितने मेरे घर पे क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है, कितने अंडे हो गए किसके क्या है, सब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों आपको। और आपको वीडियो पसंद आएंगी तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अपन। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, यही यहाँ से चालू करूँगा। तो ये खंड में देख पा रहे होंगे आप, ये मादी जो है अंडे पे बैठी हुई है। इसके पहले जो अंडे थे वो ख़राब है और इसका अभी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इससे पहले वीडियो आएगा कि फर्टाइल अंडा और अनफर्टाइल अंडा कैसे बोले तो चेक करें अपन और कैसे समझ सकते। तो इसमें एक अंडा अच्छा है, एक अंडा ख़राब है दोस्तों। ये खंड जो है खाली है, इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें सिंगल कबूतर है। और ये नीले का जोड़ा है, हमारी नीली मादी है और इसमें जो कलसरा नर है उसका बच्चा ही है। एक निकला हुआ नीला निकला हुआ है और जिसकी पूंछ जो है इसमें दो तीन पर जो है इसके सफ़ेद आए हुए हैं। और इधर से चालू करेंगे दोस्तों ऊपर से। तो इसमें दो बच्चे थे दोस्तों, एक बच्चे इसमें का खुद नीचे छलांग मारा थी उसने, वो आप देख पा रहे होंगे वो बच्चा उसका वाला, इसके साथ वाला बच्चा है वो। और दो बच्चे इधर है दोस्तों, ये वाला खन भी आपने देखे होंगे, वो मेरा बड़ा वाला छपेरा नर है इसमें। और हमारी इधर छपेरा बोलते हैं, लालचीना बोलते हैं उसको, बहुत कुछ नाम है हमारे इधर उसके। तो उसको मैंने सफ़ेद मादी लगाई थी लाल नस्ल में से, तो उसने एक बच्चा लाल निकाल दिया, एक बच्चा फीका निकाल दिया उसके जैसा। और देख पा रहे होंगे ये जो मादी है इसको भी मैंने ये नर लगा दिया और ये भी अंडे पर बैठी हुई है। पर इसके नीचे जो है ना दोस्तों, ये मादी के अंडे हैं, ये जो जोड़ा दिख रहा है आपको इसके अंडे, इसके नीचे मैंने सरका लिए थे। और ये देख पा रहे होंगे एक बच्चा इधर है दोस्तों। तो ऐसे प्रोग्रेस चल रही है, अभी इनके जो बच्चे अभी आए होंगे दोस्तों, नए नए बच्चे, अभी इसका जो बच्चा है तो मेरे ख्याल से तो निकल गया होगा। देखिए दोस्तों ये बच्चा जो है ना यहाँ से अब अटक गया हुआ है, कल ही निकल रहा था, मैंने निकाला नहीं इसको। तो आपने ऐसे निकाल के इसको अभी छोड़ देना है ऐसे। देखिए दोस्तों शौक करे बच्चे का, अभी मैंने निकाला इसको, अटक गया था ये। तो कल रात में इसने क्या करा था, इसके जो अंडा था ना वो छेद ये गया था बड़ा और ये घूम नहीं पा रहा था, तो मैंने ज़रा सा दबा के इसको ढीला कर दिया था, फिर भी नहीं निकला रात भरे में। तो आज अभी मैंने इसको निकाल दिया, तो अभी ये जो है माँ तो दाने वाने ले लेंगा। और पिछली वीडियो में जो इससे पहले वीडियो आई थी इसके मैं इसके अंडे दिखाया था, पहले अंडे जो थे इसके बीमारी के कारण इसकी बीमार हो गई थी मादी, तो अंडे जो है इसके ख़राब हो गए थे। और ये भी मादी अभी खाली है, ये भी खन खाली है, इसमें अंडे है और इसमें अभी बच्चे निकल गए दोस्तों। तो इसमें भी अभी देख पा रहे होंगे आप, मादी जो है अंडे पे बैठी हुई है और मादी ने जो है दो अंडे दिए हुए हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। और पहले के जो अंडे थे ख़राब कर दिए उसने, ये खन की जो मादी है वो एक्सपायर हो गई है दोस्तों। और ये देखिए आप, इधर भी एक अंडा आ चुका है खन में, ये इसकी भी मादी एक्सपायर हो गई दोस्तों। और ये देख पा रहे होंगे आप, इसमें दो अंडे। तो टोटल कितने अंडे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और कितने बच्चे मेरे पास में वो भी बता सकते हो दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी होंगी, प्रोग्रेस कैसी लगी होंगी ज़रूर बताएं दोस्तों आप। और कुछ कबूतर देख पा रहे होंगे, ये मादी जो है अपनी दाना वाना खाना इसने बंद कर दिया था, अभी थोड़ी चल फिर रही है बराबर। तो मैं दाना डालने वाला हूँ अभी कबूतरों को, दाना पानी पिला के मैं बंद कर दूँगा। और जो खैरा कबूतर जो है वो देख पा रहे होंगे आप, उसमें नींबू रखा हुआ है मैंने, तो कबूतर जो है नींबू पर बैठ रहा हो ऐसा। तो वीडियो अच्छी लगेंगी लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब बच्चा निकल गया है, मादी देख पा रहे होंगे आप, बच्चे के पास में चली गई है, वो निकाल रही है उसको बाहर। तो शौक करें आप भी, ये देखिए कबूतर, ये जोड़ा लग गया उनका, ये डार्क फुलवर और ये सफ़ेद फुलवर का जोड़ा अभी लग गया है। वैसे ये भाई बहन है बोले तो, ये पहले ही झोल का है, ये उसके नेक्स्ट के झोल की है,
तो ये जोड़ा में है तोड़ दूंगा दोस्तों, एक ही जोड़े के एकदम से ऐसे बच्चे नहीं लगाता हूँ मैं अभी। पहले लगाता था जब जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी हो गई तो कैसे करना, नहीं लगाना नहीं। तो एक टाइम आ जाएगा कि ये फुलवर ये ललसरे को लग जाएंगे या फिर देखेंगे बाद में किसी को और को लगा देंगे इसको। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।